सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा ने नौकरी से इस्तीफा दिया। गुरुवार को सिलेक्शन कमेटी ने आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाया था। पद से हटाए जाने पर बोले आलोक वर्मा, ईमानदारी की सजा मिली, सभी आरोप झूठे। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, वो सो नहीं सकते। दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को झटका, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज। सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव ने कार्यभार संभालते ही आलोक वर्मा की ओर से किए गए सभी ट्रांसफर आदेश वापस लिए। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर फिसलकर 0.5% रह गई। अक्टूबर में वृद्धि दर 8.4% रही थी। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बोले अमित शाह, पीएम मोदी बनाम ऑल पार्टी होगा 2019 का लोकसभा चुनाव। पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदे के गुरमीत सिंह समेत 4 आरोपी दोषी करार, 17 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा। विवादित बयान पर जांच पूरी होने तक हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल टीम इंडिया से सस्पेंड, ऑस्ट्रेलिया से हो सकती है दोनों की वापसी। और एशियन कप फुटबॉल में यूएई ने भारत को 2-0 से हराया, राउंड ऑफ 16 में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार।